गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। टुडे यू आर गोइंग टू स्टडी टेंस चैप्टर नंबर 10 इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इन प्रेजेंट डेफिनिट टेंस यू हैव स्टडीड, दिस इज नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स होता है दैट इज व्हाट वी कैन से परिचय। व्हेन एनी वर्क इज बीइंग डन, व्हेन इट बीइंग डूइंग इज नॉट हियर, दैट शुड बी हियर डन। ओके, इन द रनिंग वे, इन प्रेजेंट, ओके, द टेंस इज देन कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, आई एम यूज्ड विद आई, आर यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट। ही शी इज मोहन शीला, सिंगुलर सब्जेक्ट। सपोज वन एग्जाम्पल, ही इज डूइंग हिज वर्क। सेकेंड एग्जाम्पल, दे आर पेयरिंग देयर नेल्स। पेयर मीन्स होता है नाखून काटना। स्ट्रक्चर्स हियर यू कैन राइट हियर, फर्स्ट एक्सर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्सर्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इज हियर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एन जी अकॉर्डिंग टू द रूल वी कैन से दिस। ओके, देन ऑब्जेक्ट इज हियर, दिस इज ऑब्जेक्ट। इन इंट्रोगेटिव, इफ क्वेश्चन वर्ड इज देयर देन वी हैव टू राइट क्वेश्चन वर्ड, देर आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, देर आफ्टर सब्जेक्ट, देन आफ्टर नॉट इफ रिक्वायर्ड, then otherwise we will not write, plus object. For example, number one, is he going there? Okay, who is helping him? In this way, this type of structure and present continuous tense is finished. Okay, in the first lecture. Thank you and have a nice day.